वकील साहब क्या हुआ आज, क्या आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है? मैडम आपके वकील के द्वारा कहा गया कि आप साथ में रहना चाह रही हैं अभी। मैडम आपके वकील के द्वारा कहा गया कि आप साथ रहना चाह रही हैं। मैडम नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत में रहना सिंह। तस्वीर देखिए, सिविल कोर्ट आरा में हम लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे सुपर स्टार यानी कि पवन सिंह, पावर स्टार यानी कि पवन सिंह का आज जो है पेशी है पत्नी ज्योति सिंह के साथ। देखिए क्या कुछ हो रहा है आज, ग्राउंड रिपोर्ट आशा एक भारत पे एक्सक्लूसिव। पवन सिंह देखिए, पवन सिंह यहाँ पे, पवन सिंह मैडम साथ में रहना चाह रही है पवन सिंह के आप? मैडम आपके वकील के द्वारा कहा गया कि आप साथ में रहना चाह रही है अभी। मैडम आपके वकील के द्वारा कहा गया कि आप साथ रहना चाह रही है। मैडम कुछ तो बोलिए मैडम, आपका मैडम मैडम मैम पवन सिंह के साथ रहना चाह रही है। कुछ नहीं बात हुआ, अरे भाई मत करिए। मैडम साथ में रहना चाह रही है, फोन करो यार गाड़ी का। अरे मैडम पवन सिंह साथ में रहना चाहती है। मैडम आपके वकील के द्वारा कहा गया कि आप साथ में रहना चाह रही है। मैडम वकील साहब की बात हुई है, वकील साहब से वो कह रहे हैं साथ में रहना चाह रही है। गाड़ी को कॉल करो गाड़ी। मैडम आज कोर्ट में क्या हुआ मैडम? दिक्कत हो जाएगी। मैंने मैडम आपने पोस्ट किया आज सुबह में फेसबुक पे, फेसबुक पे आपने पोस्ट किया मैडम, आप फेसबुक पे आज पोस्ट किए मैडम, इंस्टाग्राम पे मैडम आपने पोस्ट किया है। मैडम आप कुछ नहीं मिलेगा अभी। मैडम जनता आपकी, आपका पक्ष जानना चाह रही है, जनता आपका पक्ष जानना चाह रही है। मैडम भोजपुर वासी आपका पक्ष भी जानना चाह रहे हैं, आप क्या चाहती है मैडम? जनता आपका पक्ष जानना चाह रही है, आपका स्टेटमेंट क्या है मैडम? वकील साहब क्या हुआ आज, क्या आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है? काउंसलिंग हुआ दोनों पक्ष के बीच में, हम लोग अंदर नहीं गए थे, पति पत्नी अंदर। मतलब क्या हुआ, रिकाउंसलिंग हो पाया? मतलब रिकाउंसलिंग हो गया, क्या बात है? मुझे जानकारी नहीं है, अभी जानकारी नहीं है, थोड़ी देर में पता चलेगा, थोड़ी देर में पता चलेगा। पार्टी हो जाओ, देखिए आ रहा व्यवहार ना आने ये भीड़ देखिए, ये हुजूम देखिए, कई सारे मीडिया कर्मी यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे ज्योति सिंह के बाइक को लेने के लिए कई सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन ज्योति सिंह जो है वो कुछ नहीं बोल रही है अभी। ज्योति सिंह जो कि जो चाहती है पवन सिंह के साथ रहना, उनके वकील साहब का कहना है कि पवन सिंह के साथ ज्योति सिंह रहना चाह रही हैं आप, और वो चाहती है कि सब कुछ निपटारा हो जाए, लेकिन तस्वीर ज्योति सिंह वो मैडम कुछ तो बोलिए, आपका आपका भी जाना जरूरी है मैडम, मैडम आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाना जरूरी है मैडम।
तो देखिए ज्योति सिंह जो है वो आज आरा सिविल कोर्ट पहुंची हुई थी। एक्सक्लूसिव आशा एक भारत का तस्वीर आप देख रहे हैं। ज्योति सिंह पेशी होने के बाद अब वो निकल गई है, लेकिन कुछ बोली नहीं और कहीं ना कहीं वकील साहब से बात हुई थी ज्योति सिंह के। उन्होंने कहा था कि पवन सिंह के साथ ज्योति सिंह जो है वो रहना चाह रही है, यानी कि जो बात विवाद हुआ था उसको वो निपटारा करके पवन सिंह के साथ रहना चाहती हैं। तो आज पवन सिंह और ज्योति सिंह आमने सामने थे। एक्सक्लूसिव खबर आप देख रहे थे आशा एक भारत पे। तो आप देख रहे थे किस तरीके से यहाँ पे क्या कुछ हुआ है। खबर में इतना ही जरूर बताइएगा आपको ये खबर कैसी लगी। अगर ये खबर हमारे फेसबुक चैनल पे आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। अब हमारा खबर जो है इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आ गया है, तो जाकर फॉलो जरूर कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद जय भारत। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।